हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मेरा जो मनी प्लांट्स के एक प्रीवियस वीडियो आपके साथ एक मनी प्लांट के बारे में छोड़ा हुआ था और मनी प्लांट को कैसे केयर करें और उसको कैसे बूसी बनाएं, उसी के ऊपर एक मनी प्लांट का वीडियो छोड़ा हुआ था। आप जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तों। और मैं उसी वीडियो के साथ ही साथ आपको मनी प्लांट के कटिंग से कैसे मनी प्लांट को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं उसी वीडियो में आपको बताया था। और दोस्तों, ये मेरा वही कटिंग्स में लगाया हुआ था सारे, आप तो देख पा रहे होंगे कितने सारे कटिंग्स में लगाया हुआ था, जो कि मेरा सारे कटिंग्स लगभग सक्सेस हो गए हैं। दो चार कटिंग अभी तक जिंदा है बट अभी तक पत्ता नहीं निकले हैं, बट ये सारे में पत्ते अच्छी तरीके से निकल आए हैं, देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये सारे बड़े बड़े कटिंग्स में लगाया हुआ था, कितने शानदार तरीके से ये दोस्तों कटिंग्स ग्रो हो गए हैं। दोस्तों, आप जाकर उस वीडियो को, मेरा प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं आई बटन में भी आपको साथ शेयर कर दूंगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं कैसे मैं लगाया हुआ था और कैसे केयर किया था। और दोस्तों देखिए, ये सारे कटिंग्स के पौधे हैं, कितने में अच्छी तरीके से पत्ता निकल आए हैं सारे में, आपको ये भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से सारे कटिंग्स लगभग बच गए हैं मेरा और अच्छी तरीके से सक्सेस भी हो गए हैं। कितना, ये देखिए कितना अच्छे तरीके से ग्रो भी हो चुका है मेरा सारा कटिंग्स। दोस्तों, ये सारे कटिंग्स को मैं ये प्लास्टिक में ग्रो किया था, इसलिए मैं इसको आज एक बड़े गमले में लगाने वाला हूँ। और दोस्तों, इसका कैसे पटिंग मिक्स देने से ये अच्छे तरीके से ग्रो होगा, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप पूरा तरीके से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर जो कोई भी हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं पहले मनी प्लांट के लगाने के लिए, ये देखिए मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया हूँ। देखिए, ये पूरा हल्का और भुरभुरी वाला, देखिए मैं गार्डन सॉइल लिया हूँ। इसको आपको एक गमले में, एक गमले के लिए लगभग मैं 10 इंच के गमले में लगाने वाला हूँ, उसी के हिसाब से गार्डन सॉइल लिया हूँ कुछ बाग। और उसके साथ ये मैंने जो डाला अभी, ये आपका काउडंग कंपोस्ट है, ये लगभग एक साल पुराने सूखा हुआ, देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से सूखा हुआ, डिकम्पोस्ट अच्छे तरीके से हो गया है। इसको आपको लेना है काउडंग कंपोस्ट, ये भी मैं उसी के हिसाब से एक गमले के हिसाब से लगभग 3 से 4 मुट्ठी के आसपास काउडंग कंपोस्ट लिया हूँ। और दोस्तों, ये देखिए लगभग 60 से 70 ग्राम आपको ये मैं मिला रहा हूँ मस्टर्ड केक पाउडर, इतना ही आपको मिलाना है। अभी मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देता हूँ। दोस्तों, इसका क्या रूट्स जो होता है, बहुत ही सॉफ्ट रूट्स होता है इसका, वाइट कलर का होता है, पूरा सॉफ्ट रूट्स होता है, इसलिए आप जितना हो सके मिट्टी को बहुत ही हल्का मिट्टी लें। अगर आपका पास हार्डी मिट्टी है तो आप उसमें बालू मिलाकर उसको बहुत ही भुरभुरी कर सकते हैं। दोस्तों, इसको मैं अच्छे तरीके से मिला दिया हूँ। दोस्तों देखिए, मैं ये 10 इंच का गमला लिया हूँ और उसी के साथ मैं इसमें जो मिट्टी का टुकड़ा, पॉट का टुकड़ा रख दिया हूँ अच्छे ड्रेनेज होल के लिए, क्योंकि इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जे इसका वाटर, इसका जो होता है बहुत ही कम चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में आपको देना है, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बहुत ही रखना चाहिए आपको। मैं मिट्टी को पहले भर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एक लेयर आपको इसी तरीके से मिट्टी में
भर देना है पॉट में। और दोस्तों मैं इसको एक को निकल के आपको अच्छे से दिखाता हूँ। दोस्तों ये प्लास्टिक में लगा है इसलिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों इसका रूट स्ट्रक्चर मैं आपको अच्छे तरीके से निकलता हूँ। आप भी अगर जहाँ पर भी लगाए हैं, अभी मैं लगभग थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समर चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो इसको ऐसे निकाले जैसे इसका रूट स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। मैं पहले इसको निकाल देता हूँ, उसके बाद आपको आराम से दिखाता हूँ। आप चाहे तो इसको ये जो प्लास्टिक को काट के भी निकाल सकते हैं, बट मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ ये प्लास्टिक को बचाने के लिए। तो दोस्तों मैं इसको निकाल देता हूँ। पहले मैं ये एक ही गमले में तीन ठो मैं लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं तीन ठो पौधे को मैं प्लास्टिक से अच्छी तरीके से निकाल दिया हूँ। देख पा रहे होंगे इसका कहीं पर भी रूट स्ट्रक्चर डैमेज नहीं किया हूँ, बहुत ही आराम से इसको प्लास्टिक से निकाला हूँ। तीनों को देख पा रहे होंगे, इसका रूट्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो गया है। आप तो देखिए नीचे भी, और एक ठो भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए बहुत ही मैच्योर रूट्स हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा बहुत टूटने से भी। तो दोस्तों मैं इसको लगाता हूँ अच्छी तरीके से। मेरे को एक सेप देकर रखना है, क्योंकि मेरे को इसको ये जो बेल को अच्छे तरीके से मेरे को एक वाल में ऊपर देना है, तो इसलिए मैं तीनों डायरेक्शन में रख रहा हूँ, जैसे तीनों डायरेक्शन में जा सके अच्छे तरीके से। तो दोस्तों देखिए मैं इसको बड़े आराम से रख दिया हूँ, और देखिए मेरा ये जो बेल है, जो मनी प्लांट का जो बेल होता है, उसको मैं तीनों डायरेक्शन में पार्ट पार्ट कर दिया हूँ। देख पा रहे होंगे आप, इसको मैं तीनों डायरेक्शन में फैलाने वाला हूँ। तो दोस्तों उसके बाद इसमें पूरे तरीके से मिट्टी फिलिंग कर देना है बड़े आराम से। तो दोस्तों मेरा मनी प्लांट का पौधा गमले में पूरी तरीके से रेडी हो गया है। इसको मैं एक शेप देकर, मतलब स्टिक देकर अच्छे तरीके से इसको सीधा करके पहले कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरा जो पॉट के पॉटिंग लगा दिया हूँ अच्छे तरीके से। और दोस्तों तीनों डायरेक्शन में मैं लकड़ी के सहायता से, ये स्टिक के सहायता से मैं सारे पौधे को स्ट्रेटली उसको बांध दिया हूँ, जैसे ये तीनों डायरेक्शन में जा सके और एक सेप दे सकूँ। इसको मैं इंडोर में रखने वाला हूँ। तो दोस्तों इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा ये सारा पौधा, आप तो देख पा रहे होंगे मेरा ये सारा पौधा मैं जब कटिंग से लगाया और ग्रो किया हूँ, ये सारा मेरा डायरेक्ट सनलाइट में रख ये समर में ग्रो हुए हैं, और तीन चार ठो अभी भी पत्ते नहीं निकले हैं। तो दोस्तों ये डायरेक्ट सनलाइट में भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा और एक पौधा भी दोस्तों वो डायरेक्ट सनलाइट में है, बट मैं इसको अभी इंडोर में रखने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इंडोर में रखने से इसमें थोड़ा देखभाल कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें इंडोर में रखने से क्या होता है कि ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, कम वाटर में हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो में इतना सही। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।